हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो से हम जो है हमारे माय मॉल का एडमिन पैनल जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जो माय मॉल का एडमिन पैनल है वो हम अगेन एक वेब एप्लीकेशन होने वाला है, यानी कि हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का यूज़ करने वाले हैं और एंड्रॉयड डेवलपमेंट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ई कॉमर्स का एडमिन पैनल है, कोई क्विज एप्लीकेशन का एडमिन पैनल नहीं है। जैसे हमने क्विज ऐप के लिए तो जो है सिंपली एंड्रॉयड एंड्रॉयड ऐप ही बना लिया था एडमिन के लिए, बट यहाँ पे जो है ये ई कॉमर्स ऐप है, तो यहाँ पे अगेन हमें वेब डेवलपमेंट का यूज़ करना है और एक वेब एप्लीकेशन बनाना है जो कि हमारा माई मॉल का एडमिन पैनल होगा। और जो भी चेंजेस हम एडमिन में करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे एप्लीकेशन में जो है एंड्रॉइड एप्लीकेशन उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें जो है नोड जे एस का यूज़ करना है, यानी कि नोड जे एस जो है वो हमें इंस्टॉल करना है। देन उसके बाद यहाँ पे हम रिएक्ट जे एस का यूज़ करेंगे फ्रंट एंड बनाने के लिए। ओके, यानी कि हमारा एडमिन पैनल का जो डिज़ाइन है वो पूरा हम रिएक्ट जे एस की मदद से बनाएंगे। और जो बैकएंड है वो तो अगेन हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फायरबेस है, क्योंकि हमें फायरबेस के साथ जो है एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है, क्योंकि फायरबेस के साथ कनेक्ट करेंगे डेटाबेस के साथ, तभी जो है हम यहाँ से जो चेंजेस डेटाबेस में करेंगे वो सेम चेंजेस जो है वो अगेन हमारे एंड्रॉयड ऐप में भी रिफ्लेक्ट होंगे। तो अगेन ये सब चीज़ें हमें जो है यहाँ पर सेटअप करनी है। तो चलिए वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीज़ें सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले तो गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे, क्योंकि हमें नोड जे एस जो है वो इंस्टॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, नोड जे एस, ओके, नोड जे एस टाइप करेंगे, देन नोड जे एस डॉट ओ आर जी इसे ओपन करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो बटन्स हैं, एक करंट और एक रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स LTS। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला जो वर्जन है इसे डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद हमारे मशीन में कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने तो जो है ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और मेरा वर्जन जो है वो 12.14.1 या फिर 2 है, तो अभी चेक कर लेते हैं। आप जो है इस पर क्लिक कीजिए, फाइल को डाउनलोड कीजिए और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद पावर शेल विंडो या फिर कमांड प्रॉम्प्ट, ओके, कमांड प्रॉम्प्ट भी जो है वो ओपन कर सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे पहले नोड इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद यहाँ पे वर्जन चेक कर सकते हैं, नोड वर्जन। तो आप देख सकते हैं मेरा है 12.14.1, आपका होगा 12.16.2, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट है वो आपने डाउनलोड किया होगा। ओके, देन उसके बाद क्या करना है, हमें जो है रिएक्ट एप्लीकेशन जो है वो हमें बनाना है। इसके लिए हमें रिएक्ट जेएस के सारे मॉड्यूल्स चाहिए। तो रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हम जो है पहले हमारा एडिटर डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है पर्सनली VS कोड यूज़ करता हूँ। आप जो है नोट पैड भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा जो सबलाइम टेक्स्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वेब स्ट्रोम भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं VS कोड यूज़ करता हूँ। तो VS कोड जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना जो भी कंप्यूटर का जो वर्जन होगा उसके हिसाब से इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैंने जो है अगेन सेम इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं VS कोड जो है इस तरीके से दिखेगा। तो वेलकम को पहले क्लोज कर लेते हैं, यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब हमें फोल्डर ओपन करना है। तो क्या करेंगे, हम जो है न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, पहले तो ओपन करेंगे और डेस्कटॉप पे ही एक न्यू फोल्डर ऐड कर लेते हैं, फोल्डर माय मॉल एडमिन, सिलेक्ट फोल्डर। तो फोल्डर जो है यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं माय मॉल एडमिन। उसके बाद टर्मिनल ओपन करते हैं, यहाँ से न्यू टर्मिनल। तो ये अगेन पावर शेल, ये अगेन जो है पावर शेल है और ये VS कोड का टर्मिनल है। तो आप जो है ये वाला टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट अगेन यहाँ पे आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले उस डायरेक्टरी के अंदर आपको ओपन करना है पावर शेल विंडो, देन उसके बाद यहाँ पे कमांड्स रन करने हैं। बट यहाँ पे अगर आप ये यूज़ करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी हम इस फोल्डर के अंदर है। तो मैं जो है यही यूज़ करता हूँ, तो हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यही टर्मिनल यूज़ करने वाले। तो अब क्या करना है, हम जो है हमारे डायरेक्टरी के अंदर है माय मॉल एडमिन के अंदर, अब यहाँ पे हमें रिएक्ट एप्लीकेशन को पहले इंस्टॉल करना है। तो क्या करेंगे, npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप, एंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सारे नोड के मॉड्यूल जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं और इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब रिएक्ट जेएस तो हमने इंस्टॉल कर लिया है, हमने इस डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल किया है, ग्लोबली इंस्टॉल नहीं किया है। अगर ग्लोबली इंस्टॉल कर दे तो उसके बाद हमें बार बार इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है।
मैं जो है ग्लोबल इंस्टॉल नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ जो है इस डायरेक्टरी के अंदर ही हमने रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल किया है। तो अब हम रिएक्ट जेएस का यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या करना है, सिंपली npm, पहले तो यहाँ पे वर्जन चेक कर लेते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप वर्जन, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 6.13.4 ओके, और आपका जो भी लेटेस्ट होगा वो होगा, तो कोई इशू नहीं है। अब हम जो है रिएक्ट ऐप को क्रिएट करते हैं, तो npm क्रिएट रिएक्ट ऐप और इसका नाम होगा माय मॉल एडमिन। माय मॉल एडमिन एंटर करेंगे। ओके, हमें npm नहीं npx करना चाहिए था, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माय मॉल एडमिन। स्पेलिंग मिस्टेक, एंटर करेंगे। ओके फाइन, सो इतना वेट करने के बाद फाइनली हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारी डायरेक्टरी और ये है सोर्स डायरेक्टरी, इसके अंदर बहुत सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स होंगी। तो अभी हमें कुछ चेंजेस कुछ नहीं करना है। आप क्या करते हैं सिंपली ऐप को जो है वो रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कमांड टाइप करना है npm स्टार्ट और एंटर करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ एरर आया है। ओके, हमें डायरेक्टली एक और डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा, cd my mall admin then npm start। सो अब जो है हमारा ऐप स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोड हो रहा है, 2,000 port पे हमारा ऐप रन होने वाला है। स्टिल लोडिंग और फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ऐप सक्सेसफुली काम कर रहा है, रिसोर्स ऐप डॉट क्लियर एंड स्टिल टू रिलोड। तो अगर हम कुछ चेंजेस रिफर करवाना चाहते हैं तो सोर्स में चलते हैं, ऐप डॉट क्लियर ओपन करेंगे और यहाँ पे लर्न रिएक्ट की जगह कर देते हैं माय मॉल एडमिन। सेव करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं माय मॉल एडमिन। ओके, तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली हमारा ऐप जो है क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हमें जो है कोडिंग स्टार्ट करना है और अगेन एक और चीज़ हमें यहाँ पे एक एक्सटेंशन या फिर प्लगइन जो है वो भी ऐड करना है वीएस कोड में। अगर आप वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक्सटेंशन है टीयर कोड फॉर्मेटर, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर है, बहुत लोग यूज़ करते हैं, हम भी इसे यूज़ करेंगे। ये क्या करता है, बेसिकली हम जब ऐप को सेव करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कोड को जो है फॉर्मेट कर देता है। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ से। देन इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, हमें जो है चलना है वापस से सेटिंग्स में चलना है हमें। तो यहाँ पे है सेटिंग्स और यहाँ पे हम सर्च करेंगे फॉर्मेट ऑन सेव और यहाँ पे आप देख सकते फॉर्मेट ऑन सेव, तो इस पर हमें चेक कर देना है कि वरना ये काम नहीं करेगा। और देन उसके बाद हमें क्या करना है, इसे क्लोज कर देना है। और अब आप देख सकते हैं अगर मैं इसे यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ देन उसके बाद सेव करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है फाइल को फॉर्मेट कर लेगा। तो बस ये इतना ही हमें जो है इस वीडियो में करना था, हमने सारे टूल्स और सारा एनवायरनमेंट जो है वो हमने सेटअप कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम जो है काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें डिज़ाइन के साथ भी पहले काम करना है, देन फायरबेस को भी ऐड करना है, तो धीरे धीरे जो है काम आगे बढ़ते जाएगा। तो बस ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ जो है आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।